देश भर में कोरोना का वैक्सीनेशन तेजी के साथ हो रहा है। फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज दी जा रही है और देश की जनता को आने वाले खतरे से बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मैनपुरी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पर नहर में कोविशील्ड वैक्सीन की सैकड़ों वॉयल पड़ी मिली हैं। जैसे ही इस घटना का वीडियो सामने आया, वैसे ही संबंधित अधिकारियों ने इस मामले की जाँच के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि ये घटना समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के विधानसभा क्षेत्र करहल के थाना खुर्रा में हुई है, जहां पर जीवन रक्षक वैक्सीन को कूड़ा समझकर नहर में बहाने का काम किया गया है। जब किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया तो स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। हालांकि सीएमओ ने जिम्मेदारों को मौके पर भेजकर तुरंत जानकारी जुटाने के निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि थाना कुर्रा क्षेत्र में नदरेला नहर के किनारे कुछ लोगों को नहर में कोरोना की वैक्सीन नजर आई। मौके पर जाकर देखा तो कोविशील्ड वैक्सीन की वॉयल पड़ी हुई थी, जिसमें कुछ खाली तो कुछ भरी हुई थी। नहर में 100 से ज्यादा अधिक वॉयल मिलने से क्षेत्र चर्चाओं का विषय बन गया है। सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि हैरानी की बात तो ये है कि इस नहर में मिली वैक्सीन की एक्सपायरी डेट 17 अगस्त 2022 है। सीएमओ डॉक्टर पीपी सिंह ने कहा है कि वैक्सीन का नहर में मिलना चिंता की बात है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि ये वैक्सीन कहां से आई है। पूरे मामले की जांच चल रही है। जांच होने के बाद उपयुक्त लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। सर, एक वैक्सीन बहती हुई आने का मामला सामने आया है, क्या पूरा मामला थोड़ा बताइए। अभी कुछ माध्यमों से पता चला है, कोई नहर है जो मैनपुरी से पास हो रही है, उसमें कुछ वैक्सीन की वायल जो है मतलब बहती हुई नजर आई है, तो उसके संबंध में जानकारी मिली है, तो उसकी जांच करा रहे हैं और जो भी मामला प्रकाश में आएगा और जैसा भी रहेगा, किन जिलों से आ रही है, कहाँ से आई है, जाँच कराई जाएगी।